बोकारो दिनभर में आज दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में होमगार्ड में कार्यरत एक युवक और सेना में तैनात उसके छोटे भाई को उम्र कैद की सजा। हत्या चास के कैलाश नगर में की गई थी। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिनभर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में झारखंड के राज्यपाल का पेटरवार पड़ाव के दौरान भव्य स्वागत। जोशी कॉलोनी के गेमन जंगल में मिला एक पेड़ से लटका शव। चास के जुदाड़ी मोड़ में हनुमान मंदिर के पास एक गोदाम में भीषण आग। खबरों में यह भी होगी मेडिकल की तैयारी के लिए बोकारो बनता जा रहा है स्टूडेंट की पहली पसंद। करेंगे इसकी भी चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचनाओं और खबरों को ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने जीते 3 सीट, 1 सीट बीजेपी को। कर्नाटक में 3 सीट बीजेपी को जबकि कांग्रेस ने जीते 1 सीट। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए मामले, 24 कोरोना पीड़ितों की मौत। विवादित बयान पे भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, कई जगह पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की तबीयत चिंताजनक। सोने की कीमत 200 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी की कीमत 1200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 1016 अंक और निफ्टी 246 अंक गिरकर हुआ बंद। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। विवादित बयान के विरोध में झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में प्रदर्शन। रांची के मेन रोड के पास धारा 144 लागू। HEC को बचाने के लिए PMO ने बढ़ाया कदम। उद्योग विभागों की एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। सेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई अब 17 जून को। सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। दहेज के लिए हत्या के मामले में होमगार्ड में कार्यरत एक युवक को अपनी पत्नी की गला दाब कर हत्या करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सेना में तैनात मुजरिम के छोटे भाई को भी इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई। जानकारी के मुताबिक बिहार के सोनबरसा की रहने वाली संगीता कुमारी की शादी 27 जून 2018 को बोकारो चास के कैलाश नगर निवासी निरंजन पांडे के साथ हुई थी। शादी के वक्त निरंजन बेरोजगार था। शादी के 1.5 महीने बाद निरंजन की नौकरी होमगार्ड में लग गई और उसके बाद से ही निरंजन और उसका छोटा भाई नीरज कुमार पांडे दहेज की मांग करने लगे। इसी दौरान 2 अप्रैल 2020 को दोनों ने संगीता की गला दाब कर हत्या कर दी। इस मामले में चास थाने में दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया था। पूरी जानकारी दे रहे हैं विशेष लोक अभियोजक आरके राय। बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ श्री योगेश कुमार सिंह के द्वारा फैसला सुनाया गया। इसमें अभियुक्त निरंजन पांडे एवं नीरज कुमार पांडे को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। यह घटना 2/4/2020 की है। इसे मृतका संगीता की शादी निरंजन पांडे से 27/6/2018 को हुई थी और उस वक्त यह बेरोजगार था। शादी के लगभग 1.5 माह के बाद इसे होमगार्ड में नौकरी लग गई और यह 4 लाख रुपया अतिरिक्त दहेज के रूप में मांग करने लगा। मृतका के परिवार वाले बहुत गरीब थे, वे पैसा देने में सक्षम नहीं थे। वे बार बार उनसे अनुरोध करते रहे लेकिन अभियुक्तगण उनकी बात को नहीं माने और अंततः दिनांक 2/4/2020 को मृतका की गला दबाकर हत्या कर दिए और उस हत्या के अपराध में दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपया सजा माननीय न्यायालय द्वारा दी गई है। एक पति निरंजन पांडे मृतका के पति हैं और नीरज कुमार उनके देवर हैं। नीरज कुमार भारतीय सेना में कार्यरत हैं और नीरज पांडे होमगार्ड में। सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी में गेमन जंगल में पुलिस ने दुंदी बाग निवासी छोटू दा का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया।
थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम था और पता नहीं कब कब भागा घर से मालूम नहीं है। हम लोग का नीचे में रूम है, ऊपर में भी रूम है। कल रात को ऊपर में अकेले सोया हुआ था। सुबह कैसे भागा क्या क्या, हम अपना रिश्तेदार के यहाँ सब जगह खोज लिए, नहीं मिला हमको। घर में छोटा छोटा बच्चा है तो हम बोले कि कहीं गया होगा, आ जाएगा एक आधा घंटा में, उसको जा जाएंगे खोजने के लिए। लेकिन हम मकान मालिक के यहाँ फ़ोन आया कि फलना ऐसे ऐसे आदमी है, हम ही लोग ऊपर में आदमी सब कैसे कैसे देखा होगा या कुछ, तो हमको खबर आया, सूचना मिला दूरभाष के माध्यम से कोई अज्ञात व्यक्ति है जो हैंगिंग करके लटका हुआ है वो। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो भीड़ लगा हुआ था। एक व्यक्ति द्वारा उसे पहचान किया गया, व्यक्ति आनंदा का फादर है और वो कोऑपरेटिव कॉलोनी 27 प्लॉट में रहता था और वो कुछ मेंटल डिसऑर्डर था। इसका हम लोग इंक्वेस्ट और बॉडी चलान करने के बाद उनके जो परिजन के साथ हम लोग इंक्वेस्ट पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनको सबूत करेंगे। चास के जुधाड़ी मोड़ हनुमान मंदिर के पास स्थित ओम एंटरप्राइज नाम के कचरा गोदाम में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि आग के कारण का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक इस कचड़े के गोदाम में पुराने किताब कॉपी पेपर कांच का सामान सहित अन्य सामान की खरीदारी की जाती थी। हम लोग रात में ताला लगा के गए थे, सुबह सूचना मिला के गोदाम में आग लग गया है, जिसमें हम लोग का 30-35 लाख का संपत्ति जल के लाख हो गया, पूरा शेड उड सब जल गया। कॉपी किताब कार्टून न्यूज़पेपर यही सब लेते थे प्लास्टिक, वह हम लोग को जानकारी मिला कि आग लगा हुआ, आगे देखे तब तक सारा कुछ जल चुका था। आग है, भयंकर आग है, हम लोग 3 गाड़ी काम कर रहा है, आग कंट्रोल हो गया है, बुझ जाएगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अपने देवघर यात्रा के दौरान गुरुवार को थोड़ी देर के लिए बोकारो में पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुके, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल रमेश वैस और उनकी पत्नी रामबाई वैस ने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण भी किया। मेडिकल की तैयारी के लिए बोकारो को सबसे अच्छी जगह मानकर भारी संख्या में स्टूडेंट यहां आ रहे हैं। जहां तक मेडिकल कोचिंग लेने की बात है, बोकारो के ऑरेंज निट कैंपस बहुत से स्टूडेंट की पहली पसंद, इसकी क्या वजह है यह जानने के लिए हमने बात की कुछ स्टूडेंट से। आखिर खास क्या है ऑरेंज निट कैंपस में?
My name is Ronak and I chose the Orange region because my sister is also studying from here for at least 2 years, and she told me that it is a very good institution to study for the doctorate. My name is Om Sudhanshu. I have chosen Orange because I've heard about this institution and the teachers and the faculty are also so good. So I have chosen Orange. My name is Pragya Kumari and I have chosen Orange because I've got the review of others that the faculty is very good, experienced, and that's why I'm hoping to look for. My name is Srishti and I have chosen this very institute of Orange because we get to know that Orange is only for NEET studying students and not for IIT and all. That is because Orange baki sare institute se zyada acha laga. Orange ka counseling acha tha and matlab unka samjhane ka tarika bahut acha tha, unhone jo bataya, so isliye aastha mujhe better option laga. Srishti Kumari. अच्छा इंस्टीट्यूट है इसलिए. ऑरेंज बोकारो का नीट कैंपस बन चुका है. यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीट में बहुत अच्छे अच्छे रैंक से पास हुए हैं और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं इसलिए. माय नेम इज़ श्रद्धा बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट नीट कैंपस. नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह और नीट कैंपस की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं. आज ऑरेंज नीट कैंपस जो प्योरली मेडिकल इंस्टीट्यूट है, आज हम 11th क्लास के 3 बैच स्टार्ट किए हैं जिसमें जो बच्चे मेडिकल में आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उन बच्चों की आज से क्लासेस स्टार्ट हुई है. और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि ऑरेंज नीट कैंपस को बच्चों ने पहला च्वाइस रखा है मेडिकल की तैयारी के लिए. इसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं वो मेडिकल ओरिएंटेड हैं. 24 साल से अधिक का उनका एक्सपर्टाइज है टीचिंग में, वो पिछले 24 साल से पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है. हमारा रिजल्ट पिछले 2 सालों में काफ़ी बेहतर रहा है. झारखंड में और बोकारो में तो नंबर 1 रैंक पे हम रहे हैं. और यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं जो टीचर और बच्चों का जो आपस का तालमेल है बहुत ही अच्छा है. बच्चे घुल मिल जाते हैं टीचर से और टीचर काफ़ी सपोर्ट करते हैं बच्चों को. तो ये एक बहुत बड़ा कारण है बोकारो के लिए, बोकारो के बच्चों के लिए कि वो ऑरेंज नीट कैंपस को चुन रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए. आज इसीलिए हम लोग 3 बैच एक साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब जिले के प्रखंडों से 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर. बोकारो के सदर अस्पताल से 86 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने की खबर. चंदन क्यारी के नदी में नहाने के दौरान वज्रपात से अधेड़ की मौत. बोकारो में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 19 दुकानों में छापेमारी कर 3,450 रुपए जुर्माना वसूला गया. चंद्रपुरा में आवासीय कॉलोनी में बिजली तार के करंट लगने से 11 साल का बालक घायल. बेरमो में गंगा दशहरा पर जगह जगह हुई गंगा आरती. चंद्रपुरा अलप्पे एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक यात्री घायल. अरमो में पुलिस ने छापेमारी कर 2.5 टन कोयला जब्त किया. बोकारो जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम, DSI करेंगे जांच. चास नगर निगम क्षेत्र में लचर जलापूर्ति व्यवस्था पर आंदोलन पर उतरने की चेतावनी. फुसरो के करगली से घुटिया टाड़ में सड़क मरम्मत के लिए भूख हड़ताल की घोषणा. अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान. मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302. इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार. तब तक के लिए नमस्कार. बने रहें thetimesmedia.com पर. आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.